हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा। आज मैं बना रही हूँ ग्रीन सैलेड, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। इसमें जो सॉस मैं डाल रही हूँ वो मैं बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट से बनाऊँगी। तो आइए शुरू करते हैं कलरफुल सैलेड बनाना। सब्जियाँ जो हमें चाहिए और इनको किस साइज़ में काटना है वो मैं आपको बता देती हूँ। हाफ पंच लेटस ले लें और इसे चॉप कर लें। आप सैलेड के पत्ते भी ले सकते हैं। येलो, ग्रीन और रेड शिमला मिर्च ले लें और आधी आधी हर कलर की शिमला मिर्च को लंबाई में काट लें। एक खीरा ले लें और इसे भी ऐसे चॉप कर लें। थोड़ी सी बंद गोभी ले लें और इसे भी ऐसे चॉप कर लें। दो गाजरें ले लें और इनको भी ऐसे बारीक बारीक काट लें। एक ग्रीन एप्पल ले लें, इसको भी ऐसे चॉप कर लें। इससे सैलेड में बहुत ही अच्छा जायका आता है। दो टमाटर ले लें और इनको भी ऐसे स्लाइसेस में काट लें, इनके सीड्स निकाल दें। हमें आधा प्याज चाहिए और इसको भी ऐसे चॉप कर लें और इसे अलग-अलग अलग-अलग कर लें। थोड़ा सा हरा धनिया ले लें और इसे ऐसे बारीक बारीक काट लें। हमारी तमाम सब्जियां चॉप हो गई हैं। अब हम सॉस तैयार कर लेते हैं। एक कप या बाउल ले लें, इसमें डालें 1/3 कप ऑलिव ऑयल, 2 टेबलस्पून वाइट विनीगर, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ओरिगैनो लीव्स, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें। हमारी बहुत ही खट्टी मीठी सी सॉस तैयार हो गई है। अब इस सॉस को सैलेड के ऊपर डाल दें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। सब्जियों की मात्रा आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं या जो आपके पास अवेलेबल हो अब वो डाल लें। अब आप सैलेड को एक बाउल में निकाल लें। आप इसे लंच, डिनर या बारबेक्यू के साथ पेश करें। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल ताकि आप देख सकें मज़े मज़े की देसी फूड रेसिपीज़।